अगस्त का ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? आपके परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको क्या कुछ मिलेगा? ये जानने के लिए अगस्त राशिफल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल मत कर करना, लेकिन मेरे भोले बाबा के लिए एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरे भोले बाबा इस महीने आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक मामलों में वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने में धन से जुड़े दोनों पहलुओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी जातकों को इस महीने फायदे और नुकसान दोनों ही मिलने के संकेत हैं। बृहस्पति के छठे भाव में होने से जातकों को ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। इसी के साथ मुमकिन है कि मामला आपके हाथ से बाहर चली जाए और आप मामले को कंट्रोल ना कर पाए। ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को लोन लेना पड़ सकता है। बारहवें भाव में केतु मौजूद हैं और बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, इसके कारण आपको और दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को उधार लेने की जरूरत हो सकती है। शनि चौथे भाव में मौजूद हैं, इसके कारण जातकों को परिवार में अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव में शनि के होने के कारण जातकों को आराम में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत पर अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, इसके कारण आपको धन बचाने में परेशानी होगी। वहीं छठे भाव में केतु के होने के कारण जातकों को अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं। संभावना है कि आपको पुरानी संपत्ति से धन लाभ हो। इसके साथ आप अपने वादों को लोन के माध्यम से पूरा करने में सक्षम होंगे, लेकिन आप जो भी धन कमा रहे हैं उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और इसी कारण से आप अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, जो आपको लिए परेशानी का कारण बनेगा। प्रेम का ग्रह शुक्र नौवें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और फिर ये 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं। ग्रह शुक्र वापस 18 अगस्त 2023 को उदय हो जाएंगे। इसके अलावा बुध 24 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे। शनि के चौथे भाव में होने के कारण संभावना है कि बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने में मध्यम लाभ हों। इसके अलावा अगस्त के महीने में आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिलने के भी संकेत हैं। इसके अलावा जातकों को इस महीने में किसी नई तरह की साझेदारी या बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको इस महीने बड़े फैसले न लेने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना मिलाजुला साबित होने की संभावना है। आपकी राशि में ग्रह शनि चौथे भाव में मौजूद हैं, इसके कारण आपको किसी काम को पूरा करने में समय लगने की आशंका है। संकेत हैं कि जातकों को छोटे छोटे काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आशंका है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें छोटी गलतियां हो जाएं। छठे भाव में बृहस्पति के होने से इस महीने जातकों को करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संकेत है कि आपको अपने काम में संतुष्टि न मिले और साथ ही आपको अपने काम के लिए सराहना भी न मिले। ध्यान में भटकाव के कारण जातकों से काम में गलतियां होने की संभावना है। आपको इस महीने अपने काम में अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो लापरवाही के कारण आप अपने काम में लगातार गलतियां कर सकते हैं। बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने ज्यादा धन लाभ नहीं होने की संभावना है। आपको इस महीने मध्यम लाभ होने की आशंका है। वहीं केतु के बारहवें भाव में होने के कारण आप अपने बिजनेस में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। राहु के छठे भाव में होने के प्रभाव से अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलने के संकेत हैं, लेकिन इस
महीने बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद रहेंगे। शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपके आराम में कमी आ सकती है। इस राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप परेशानी में आएंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल की दशा अच्छी है और वो इस महीने की 15 तारीख के बाद 11वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से जातकों को इस महीने में अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलेगी। केतु प्रतिकूल दशा में मौजूद हैं, यानी वो 12वें भाव में हैं। इसके प्रतिकूल प्रभाव से जातकों के अंदर भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। वहीं केतु के 12वें भाव में होने के कारण जातकों को पाचन संबंधी और सिर दर्द से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपको इसके अलावा नींद में भी दिक्कत आने के संकेत हैं। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के प्रेम व वैवाहिक राशिफल के बारे में। अगस्त राशिफल 2023 मासिक राशिफल के मुताबिक वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि चौथे भाव में मौजूद हैं। शनि के चौथे भाव में होने के कारण जातकों के प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी का सामना करना पड़ सकती है। इसके कारण आप दोनों के बीच समझ और तालमेल की कमी रह सकती है। इसके अलावा 12वें भाव में केतु के होने के कारण जातकों के अंदर प्रेम के भाव की कमी होने की संभावना है। लाभकारी ग्रह बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद हैं और इस दशा से जातकों को प्रेम में मध्यम नतीजे मिलने की संभावना है। बृहस्पति की छठे भाव में प्रतिकूल स्थिति के कारण जातकों को प्रेम में आकर्षण बनाए रखने में परेशानी होगी और आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। इसके साथ आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो उसे आगे के लिए टाल दें, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण विवाहित जातकों के लिए ये महीना ज्यादा खास नहीं रहेगा। जोड़ों के बीच खुशियों की कमी रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में सुख के लिए आपको आपसी समझ से कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी। प्रेम का ग्रह शुक्र 9वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और फिर ये 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं। ग्रह शुक्र वापस 18 अगस्त 2023 को उदय हो जाएंगे। इसके प्रभाव से प्रेम संबंधों में आपको तालमेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के पारिवारिक राशिफल के बारे में। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके प्रतिकूल प्रभाव से जातकों को इस महीने पारिवारिक मामलों में ज्यादा खास नतीजे ना मिलने की संभावना है। मून साइन के मुताबिक शनि आपके चौथे भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से जातकों को परिवार में कुछ तनाव आने के संकेत हैं। इसका कारण परिवार में अनचाहे विवादों की शुरुआत हो सकती है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण जातकों को परिवार के लोगों पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के स्वामी के रूप में मंगल 11वें भाव में मौजूद हैं। इसके कारण परिवार में खुशियां का माहौल बना रहने के संकेत हैं। इसी के साथ ये दशा आपको परेशानियों से बाहर निकलने में भी सक्षम बनाएगी। छठे भाव में बृहस्पति के होने के कारण जातकों को परिवार में सदस्यों के साथ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के उपाय के बारे में। रोजाना 27 बार हनुमते नमः का जाप करें। रोजाना 108 बार केतवे नमः का जाप करें। रोजाना 41 बार मांडे नम का जाप करें।